नहीं काटते तो ये सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि एनर्जी का बहुत जरूरत पड़ता। तो हम यहाँ से जब काटे तो यहाँ से बहुत सारे ब्रांच निकला जिएगा। और इसको मैं वायरिंग करके बता रहा हूँ वाला कि ये ज़्यादा आसानी से एक शेप में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बोनसाई बनाने का कुछ ट्रिक आप लोग को बताएंगे। तो ये जो प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, हमने हंटिंग करके लाया था और लगभग इसको 6 महीने से हमने इस एक बकेट में, ये छिल्ली पॉलीथीन का बैग है, इसमें लगा रखा है। तो बोनसाई का कुछ टिप्स हम आप लोग को देना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि बोनसाई का बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले स्टेज क्या होता है। तो सबसे पहले आप भी जब भी पौधा कुछ लाएं, कोशिश कीजिएगा कि कहीं इस पे लगा हुआ प्लांट आपको मिल जाए। जैसे कि ये प्लांट किसी बड़े पौधे में, बड़े पेड़ में ये चिपका हुआ था, लगा हुआ था, उसको हमने उखाड़ के लाया। कुछ जड़ टूट चुका था और हमने इसको ला के एक कैरी बैग में लगा रखा है। सबसे पहले आप फोकस करेंगे बोनसाई पे कि इसका रूट डेवलप हो। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसका रूट बढ़ जाए। आप देख रहे हो कि 6 महीने में लगभग ये रूट बहुत ही फैल चुका है। इसके बाद हम जब बरसात आएगा तभी हम इसका रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे अच्छा समय रिपोर्टिंग का समय होता है जब गर्मी चालू होते रहता है, फरवरी, जब ठंड खत्म हो। तो फरवरी से अप्रैल तक का महीना में हम रिपोर्ट कर सकते हैं और बरसात के मौसम में रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे पौधा मरने का चांस बहुत कम होता है। तो आज हम इस प्लांट पे क्या क्या वर्क करेंगे आप लोग को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जब इस पौधे को लाए थे और लगा दिए, लगाने के बाद इसमें खाद बहुत कम डालना पड़ता है दोस्तों। जब भी आप किसी पौधा को लगाएंगे बिना रूट वाले, तो उसमें खाद मत डालिएगा, खाद का जरूरत नहीं पड़ता। नॉर्मल सा गार्डन सॉइल और रेत डालेंगे जिससे ये आसानी से ये सर्वाइव कर जाएगा। तो अभी हम जब लाए तो अब कुछ ब्रांच को हमने कटिंग किया था, जैसे कि ये वाली ब्रांच बहुत बड़ा था और इसको नहीं काटते तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि एनर्जी का बहुत ज़रूरत पड़ता। तो हम यहाँ से जब काटे तो यहाँ से बहुत सारे ब्रांच निकला, और यहाँ से कटिंग किए तो यहाँ से भी बहुत सारा ब्रांच निकला। यहाँ से सब जितना जितना जगह से हम कटिंग किए वहाँ से ब्रांच निकलता गया, जिससे ये और भी बूसी होता है, घना हो जाता है दोस्तों। अब उसके बाद धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ कि करना क्या होता है। जो ब्रांच जैसा बड़ा होता जाता है तो शेप दे सकते हैं आप, और अगर सही समय में आप इसका कटिंग करते रहेंगे तो वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो पत्ती को भी आप बड़े बड़े पत्ती को भी धीरे धीरे हटाते चलेंगे, जिससे पत्ती का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। हो गया दोस्तों, ये भी एक फाइकस प्रजाति का ही प्लांट है, और हमेशा बोनसाई एक हार्डी पौधा ही बनता है बोनसाई, जिसमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा हो। इस प्लांट का आप अगर नाम जानते हैं फ्रेंड्स तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे भी इसका प्लांट का नाम पता नहीं है। तो हम अभी ट्रिम कर रहे हैं, इसके जितने भी बड़े बड़े पत्ती हैं उसको हटा रहे हैं, उसके बाद ही ब्रांच को देखेंगे। पत्ती हटने के बाद ही पता चल पाता है कि कौन सा ब्रांच को कटिंग करना है, कैसा शेप देना है। तो हम सारे बड़े बड़े पत्ती को हटा रहे हैं। पत्ती हटाने से मैं बता रहा हूँ, या सब कोई बोनसाई आर्टिस्ट यही बोलता है कि जब भी आप पत्ती को हटाएंगे तो वाकई इसका ब्रांच का तो मोटा होगा ही, क्योंकि सारा एनर्जी पत्ती पे जाता है। तो ब्रांच तो मोटा होगा ही, उसके साथ साथ पत्ती का साइज छोटा होता जाएगा, और जितना पत्ती का साइज छोटा होगा आपका बोनसाई पेड़ उतना ही सुंदर नजर आएगा। हो गया। तो फ्रेंड्स, हम बता रहे हैं कि इसमें और भी क्या काम करना है। हमने सारे जितने बड़े पत्ती थे उसको हमने हटा लिया। अब समय आता है इसका ब्रांच पे हम फोकस करेंगे कि कौन सा ब्रांच को कैसा शेप देना है, काटने की जरूरत कौन से ब्रांच को पड़ेगा। काटें तभी दोस्तों जब इसका ब्रांच मोटाई को देख के काटिएगा जो सर्वाइव कर पाए। काटने पे ये होता है, जैसे कि इस ब्रांच को हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से और ब्रांच निकलेगा, उसको काटेंगे तो और ब्रांच निकलेगा, इससे ये घना हो जाएगा, भूसी हो जाएगा। तो ये वाले ब्रांच को हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो यहाँ से दो ब्रांच और निकलेगा, और इसको हम अभी वायरिंग करके दिखाएंगे फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा शेप देंगे।
बाकी काटने का जरूरत इसको है, यहाँ से हम जब काटेंगे तो यहाँ से दो ब्रांच और निकल जाएगा। ये छोटा है, इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, ये वाले ब्रांच को हम कटिंग कर सकते हैं जिससे ये और निकल जाएगा। ये पतला है, इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। ये वाली ब्रांच आप देख रहे होंगे, ये वाली ब्रांच ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, यहाँ तक मोटा हो गया है, तो हम अगर यहाँ से अगर कट करते हैं तो यहाँ से दो ब्रांच और निकल जाएगा, और इसको भी हम कट कर देंगे जिससे यहाँ से दो ब्रांच और निकल जाएगा। इसको भी हम कट करेंगे फ्रेंड्स, आप देख देख के कट कर सकते हैं। अब कट करने के बाद हम फंगीसाइड डाल देंगे। कट की वाले जगह में आप जरूर फंगीसाइड डाल दें जिससे ये जल्दी खराब ना हो, सर्वाइव कर जाता है आसानी से, फंगस में नहीं लगता है। तो मैं जब भी ब्रांच कटिंग करता हूँ वहाँ फंगीसाइड जरूर डाल देता हूँ जिससे ब्रांच खराब नहीं होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, वायरिंग करने के लिए आप एक एल्युमिनियम का वायर ले सकते हैं या कॉपर का वायर ले सकते हैं, ये इलेक्ट्रिशियन दुकान में आसानी से आपको मिल जाएगा। ब्रांच का साइज देख के आप वायर का साइज लीजिएगा, और इसको मैं वायरिंग करके बता रहा हूँ, हालांकि ये ज़्यादा आसानी से एक शेप में आ जाएगा। ये सीधा ये ऐसा झुक गया, इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करना चाह रहा हूँ जैसे कि मैंने पिछले मरतबा ये वायरिंग किया है। बाद में इसको ये सेट होने के बाद हम हटा देंगे। ये वायरिंग करें तो उसके बेस को पकड़ के ही वायरिंग कीजिएगा, एक साइड को दबा के, ताकि आपका ये ब्रांच बिल्कुल भी ना टूटे। मैं दिखा रहा हूँ, दो मिनट रुक, ऐसा पकड़ के कीजिएगा ताकि ब्रांच बिल्कुल भी ना टूटे। फिर आप मनचाहा इसको आकृति दे सकते हैं फ्रेंड्स। वक्त है कि इसको आप कैसा शेप दे। एकदम से सीधा था ये, मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना ये इसको जो भी आकृति देना चाहते हैं वो आसानी से हम इसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एकदम सीधा था, उसको हमने वायरिंग करके शेप दिया है। अभी हम आप लोग को शेप करके ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि वायरिंग कैसे किया जाता है, उसी मेथड को हमने बताया है। तो आप भी अपना बोनसाई का केयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए कुछ जानकारी के साथ। थैंक यू।